बज गया बिगुल, बिच गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका, किसकी होगी मात। आप देखेंगे झारखंड विधानसभा से जुड़ी हर चर्चा और नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। होटल मौर्या में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भारत सरकार तथा पटना चैप्टर भारतीय कंपनी संस्थान ISTSI संयुक्त रूप भारत सरकार द्वारा जनता के लिए उठाया गया कदम पर चर्चा हेतु सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मौजूद रहे। अतिथियों में श्री HD संजय कुमार अग्रवाल, IAS सचिव परिवहन विभाग बिहार सरकार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री PK अग्रवाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री PK अग्रवाल अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स उठाए कदमों को सराहनीय बताते हुए अपना मत रखा। पटना से रामकुमार की रिपोर्ट। कोई भी व्यक्ति जब व्यापार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो कैसे आसान, सारी चीजें कैसे आसान हो। और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 10 चीजें आती हैं। 10 के भीतर फिर और बहुत सारे पैरामीटर होंगे। अगर कोई व्यक्ति व्यापार प्रारंभ करना चाहता है, ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, उसी प्रकार डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, अगर किसी बिल्डर को मकान पर बिल्डिंग बनानी है तो जो कंस्ट्रक्शन के परमिट, इतने तरह के परमिट देने पड़ते हैं और इतनी जगह को बनाना पड़ता है, तो डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी हर काम के लिए बिजली से, तो बिजली प्राप्त करने में ईज ऑफ डूइंग है कि नहीं, आसानी है कि नहीं, इसको तरह जगह दौड़ना पड़ता है। रजिस्ट्रिंग प्रॉपर्टी, अगर संपत्ति का निबंधन कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, क्रेडिट प्रोग्राम बिजनेस, अगर आपको बैंक से या कहीं से ऋण प्राप्त करना है, उसी प्रकार अगर आपको अंतर्देशीय व्यापार करना है, दूसरे देश से माल मंगाना है, दूसरे देश में आपको माल भेजना है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो समझौते किए जाते हैं, उनको किस तरह से उन समझौतों को लागू किया जाए, और अगर कोई कंपनी बंद हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया हो गई, या कोई डिफॉल्टर है, तो कैसे इसको रिजॉल्व किया जाता है कि विद्यार्थी बड़ी संख्या में मौजूद है। तो कोई जगह व्यापार करना, कंपनी रजिस्टर करना है, तो कंपनी रजिस्टर कराने में कैसे सुविधा हो, कैसे कम से कम समय, जैसे बताया गया कि एक दिन के भीतर और कंपनी को रजिस्टर कराया जा सकता है, जबकि आज से 2-3 साल पहले काफी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। और मुझे बताया गया कि पहले अगर किसी कंपनी को रजिस्टर कराना है तो उसको जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको 3 नंबर करते हैं, पैन नंबर है, टैन नंबर है, EPF का नंबर देना है, DSIC का नंबर देना है, या GST में रजिस्ट्रेशन करना है, हर चीज को अलग अलग आवेदन देना पड़ता है, अलग अलग प्रक्रिया है। और अब जो सिंप्लीफाइड इंटीग्रेटेड फॉर्म, एक ही फॉर्म में जो सरलीकृत फॉर्म है, और जिसके द्वारा ये सारे चीजों का नंबर, आपको पैन नंबर चाहिए, GST नंबर चाहिए, ESIC का रजिस्ट्रेशन चाहिए, या आपको EPF का चाहिए, ये सारी चीजें आपको एक साथ अलग अलग जगह बिना गए हुए आपको एक ही फॉर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म के द्वारा आपको प्राप्त होगा। और जहां 2014 में दुनिया के 190 देशों में भारत का स्थान 142 था, 142वें स्थान पर था, और हम 2019 में 63वें स्थान पर आ गए, यानी लगभग 79 पॉइंट जो है हमने अचीव किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि दुनिया के 50 जो देश हैं, यानी 1 से 50 जो देश होंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, हम 1 से 50 के भीतर हमारा भारत का नाम शामिल हो,
चार साल में लोग 140 से 300 स्थान पर पहुंच गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में भारत दुनिया के 50 देशों में शामिल रहेगा जहां व्यापार करना सबसे ज्यादा आसान है।